हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इन्फिनिक्स फ़ोन में जियो सिम पर मैसेज नहीं आ रहा है तो कैसे ठीक करेंगे। तो इसके लिए मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है, फिर थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर ऊपर ऐप मैनेजमेंट या ऐप का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जहाँ पर सभी ऐप रहते हैं उस सेटिंग में आ जाएंगे, इसी सेटिंग्स में आना है और अब नीचे आकर मैसेज वाले ऐप को खोजना है। तो यहाँ पर है मैसेज वाला ऐप, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर फोर्स स्टॉप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और फोर्स स्टॉप कर देना है। अब देखिए यहाँ पर परमिशन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और नीचे आना है। अब जो परमिशन अलाउड नहीं है उस परमिशन को अलाउ करना है, जैसे कि यहाँ पर नॉट अलाउ लिखा है, इसके नीचे जो भी परमिशन है यह अलाउ नहीं है। तो हम लोकेशन पर क्लिक करते हैं और ऊपर ऑप्शन है अलाउ का, इस पर क्लिक करके बैक आते हैं तो देखिए परमिशन अलाउ हो गया। इसी तरीके से सभी परमिशन को अलाउ कर देना। तो मैं यहाँ से सभी परमिशन को अलाउ कर देता हूँ, देखिए हो गई। अब बैक आना है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा स्टोरेज यूजेज का, स्टोरेज नाम से भी हो सकता है, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्लियर डाटा का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। ऐसा करने से कुछ भी डिलीट नहीं होगा। अब बैक आना है होम स्क्रीन पर। अब अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट करना है। कैसे रीस्टार्ट करेंगे तो देखिए जो मोबाइल का पावर बटन है जिससे मोबाइल लॉक करते हैं, इस बटन को कुछ सेकेंड तक दबा कर रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा रीस्टार्ट का, इस पर क्लिक करना है और जैसे ही फिर से क्लिक कर देंगे मोबाइल अपने आप ही स्विच ऑफ होकर स्विच ऑन हो जाएगी। इससे कुछ भी डिलीट नहीं होगा और प्रॉब्लम भी सही हो जाएगी, फिर मैसेज आने लगेगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।